नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। आज मैं आप सभी का दोस्त प्रांजल जायसवाल आपके सामने फिर एक नया औषधि पौधा लेकर आया हूँ। सत्यानाशी के आयुर्वेदिक गुणों को जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। आज मैं जो पौधा के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, आप सभी लोग इसे देख कर पहचान चुके होंगे। इसे संस्कृत में कटुपर्णी और हिंदी में सत्यानाशी के नाम से इसे जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसके तोड़ने पर इसमें सोने के समान दूध निकलते हैं, इस कारण से इसे स्वर्ण छिरी के नाम से भी जाना जाता है। उड़िया में इसे काटा कुसुमुका और उर्दू में ब्रह्मडंडी के नाम से जाना जाता है। गुजराती में दारुडी के नाम से जाना जाता है और इसका अंग्रेजी नाम येलो लिथिमस है। छत्तीसगढ़ी में हम इसे भस्कटैया के नाम से जानते हैं। इसके बांस स्वरूप की बात की जाए तो इसकी लंबाई 1 से 2 फीट या 2 मीटर तक की ऊंचाई होती है। ये छीर युक्त वार्षिक और कांटों से युक्त होती है। इसके कंद चिकने और कांटे युक्त तथा मुलायम होते हैं। इसके पत्र सरल वृत्तहीन 7.5 से 18 सेंटीमीटर लंबे श्वेत वर्ण और शिराओं से युक्त अनेकों खंड में विभक्त होते हैं। किनारों पर कांटे। इसके फूल पीले और सफ़ेद रंग दो प्रकार के होते हैं तथा इसके फल अंडाकार होते हैं, कांटों से युक्त होते हैं तथा बीज असंख्य छोटे भूरे कृष्ण वर्ण के होते हैं। ये 1 से 2 मिलीमीटर व्यास के गोलाकार गहरे जालिकावत होते हैं तथा इसका पुष्प काल फरवरी से अगस्त तथा फल काल नवंबर से अप्रैल तक रहता है। आयुर्वेदिक गुण धर्मों की बात की जाए तो सत्यानाशी कफ पित्त शामक होता है तथा इसके मूल मूत्रल और निद्रा कारक होते हैं। इसके बीज विरेचक और वामक और वेद शामक होते हैं। सत्यानाशी के आयुर्वेदिक गुणों की बात की जाए तो नेत्र रोगों में नेत्र संबंधित किसी भी प्रकार के रोग होने पर आँखों के दर्द, मोतियाबिंद, आँखों का जलन, आँखों में लालिमा, सिलौनी होने पर 1 ग्राम सत्यानाशी के दूध को 50 मिली गुलाब जल को मिलाकर प्रतिदिन 2 बार एक एक दो दो बूंद नेत्र में डालने से नेत्र का सूजन, नेत्रों की लालिमा और यहाँ तक कि सिलौनी, बिलौनी और मोतियाबिंद दूर हो जाते हैं। यदि किसी को खांसी हो या फिर टीवी की बीमारी हो तो सत्यानाशी के पंचांग का रस निकाल कर उसे आग में उबालना चाहिए। जब यह रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाए तो 500 मिली रस रहे तो इसमें 600 ग्राम पुरानी गुड़ तथा 20 ग्राम राल मिलाकर खराल करें तथा 250 मिलीग्राम की गोली बनाकर एक एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ लेने पर दमे और श्वास संबंधित रोगों में इलाज में फायदा होता है। इसके अलावा सत्यानाशी को उदर रोग और मूत्र संबंधित रोगों में इसका प्रयोग बहुत ही अत्यधिक चमत्कारी देखा गया है। पेट में दर्द होने पर सत्यानाशी के 3 से 5 मिली दूध को 10 ग्राम घी के साथ मिलाकर पीने से उदर शूल का शमन होता है तथा पेट में जल भराव होने, जलांधर रोग होने पर 5 से 10 मिली सत्यानाशी के पंचांग के स्वरस को दिन में 3 से 4 बार पिलाने से मूत्र खुल कर आता है और जलांधर रोग और मूत्र संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी को कमला रोग, पीलिया रोग हो तो 10 मिली गिलोय के रस में सत्यानाशी की 8 से 10 बूंद डालकर प्रातः और साया पीने से पीलिया रोग, कमला रोग दूर हो जाता है। दांत, खाज, खुजली और चर्म रोग संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी या पुराने घाव जो कभी भरते ना हो तो सत्यानाशी के पत्ते के रस को अरंडी के तेल और नमक डालकर उपयोग करने से ठीक हो जाते हैं। यदि किसी को सफ़ेद दाग हो तो सत्यानाशी के पीले फूलों को पीस कर लगाने से सफ़ेद दाग दूर हो जाते हैं।
सत्यानाशी का यह सबसे ज़्यादा चमत्कारी प्रयोग यह है कि किसी को बांझपन या शीघ्र पतन या धात रोग का मरीज हो तो इसके सत्यानाशी की जड़ के पाउडर बना करके बरगद के दूध मिला करके इसको खूब घोटना है और इसको घोटाई करने के पश्चात बंगला पान के रस मिला करके फिर घोटना है। घोटने के बाद जब ये सूखने लगे तो इसे गोली बना करके सुबह शाम उपयोग करने से किसी भी प्रकार का बांझपन शीघ्र पतन धात रोग दूर हो जाता है। इसका प्रयोग करने से किसी भी निसंतान दंपतियों का संतान अवश्य ही होगी। अतः दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसे लग रही है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के नए नए औषधि जड़ी बूटी के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल CG प्रांजल 36 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्रियजनों को शेयर अवश्य करें ताकि वो भी हमारे वीडियो को देखकर अपने रोगों से मुक्ति पा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।